सब्सक्राइब करें तालीम टेक को एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस। Assalamualaikum guys, this is Muhammad Faizan and you people are watching Talim Tech YouTube channel. दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। Guys, कैसे चल रही है लाइफ और सब ठीक ठाक है? दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं Google की उन कुछ ऐप्स के बारे में जिनके बारे में लोग सुनते तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन शायद इनमें से कुछ लोगों ने उनको अपने मोबाइल में डाउनलोड किया होगा। और कुछ ऐसी ऐप्स और भी हैं Google की, टॉप 10 ऐप्स हैं, ठीक है, इनको मैं आप लोगों से शेयर करूँगा और आपको बताऊंगा कि इनके फीचर एंड बेनिफिट्स क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, सो लेट्स स्टार्ट इट। नंबर 10 पे हम बात करेंगे गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप की। जी हैं दोस्तों, गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप गूगल की एक प्रोडक्ट है जिसके जरिए आप अपने गूगल के अकाउंट्स को 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन के जरिए ऑथेंटिकेट करवा के लॉग इन कर सकते हैं और ये ऐप एंड्रॉयड और एप्पल स्टोर दोनों पर ही अवेलेबल है। नंबर 9 पे हम बात करेंगे फोटो स्कैन पे गूगल फोटोज। जी हैं गाइस, ये भी गूगल की एक प्रोडक्ट है जिसके जरिए आप अपनी पुरानी तस्वीर को स्कैन करके गूगल फोटोज में सिंक कर सकते हैं और इसके साथ साथ उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं हल्का फुल्का। और जहाँ तक इसके स्कैनिंग रिजल्ट की बात है तो इसका रिजल्ट जो है वो ग्लेयर फ्री है और ये ऐप भी iOS और एंड्रॉयड दोनों यूजर्स ही यूज़ कर सकते हैं। नंबर 8 पे हम बात करेंगे एंड्रॉयड मैसेजेस की। जी हाँ दोस्तों, एंड्रॉयड मैसेजेस गूगल की एक प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट के जरिए आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज और वो तमाम दोस्त जो गूगल और नॉन गूगल यूज़र हैं उनको इंटरेक्ट कर सकते हैं थ्रू SMS, MMS और गूगल जीमेल के जरिए। इसके अलावा दोस्तों इस प्रोडक्ट के अंदर बहुत सी इनहांस फीचर्स हैं जिसके अंदर लोकेशन शेयरिंग है, ऑडियो फाइल शेयरिंग है और फाइल शेयरिंग है, फोटो शेयरिंग है और इस ऐप को सिर्फ आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर ही यूज़ कर सकते हैं। नंबर 7 पे हम बात करेंगे गूगल टेक्स्ट टू स्पीच की। थी दोस्तों, गूगल टेक्स्ट टू स्पीच भी एक गूगल की एक प्रोडक्ट है जो कि एक बहुत ही इनहांस फीचर प्रोवाइड करती है जिसके जरिए से आप स्पीच को प्रोनाउंसिएट करके यानी कि टेक्स्ट टू स्पीच प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं इन द वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस। और ये प्रोडक्ट दोनों ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पर ही अवेलेबल है। नंबर 6 पे हम बात करेंगे एंड्रॉयड टीवी रिमोट कंट्रोल की। जी हाँ दोस्तों, एंड्रॉयड टीवी रिमोट कंट्रोल भी गूगल की ही एक प्रोडक्ट है, गूगल की तरफ से डेवलप की गई एक ऐप है। इस ऐप के थ्रू आप अपने स्मार्ट टीवी या आप अपने एंड्रॉयड टीवी को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं अपने मोबाइल से। इसके लिए आपको सिर्फ करना ये होगा कि आपको अपने मोबाइल को और अपने स्मार्ट टीवी को एक ही वाईफाई नेटवर्क पे कनेक्ट करना होगा, या अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको अपने मोबाइल को थ्रू ब्लूटूथ अपने एंड्रॉयड टीवी के साथ कनेक्ट करना होगा। देन आप अपने मोबाइल से अपने टीवी को ऑपरेट कर सकते हैं, चैनल को फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन और इस तरह की बहुत सी चीज़ें। जी हाँ दोस्तों, ये ऐप भी ऐप स्टोर और प्ले स्टोर यानी कि एप्पल और एंड्रॉयड यूज़र दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। नंबर 5 पे हम बात करेंगे क्रोम रिमोट डेस्कटॉप की। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोडक्ट भी गूगल की है, गूगल की तरफ से एक ऐप है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इन टॉप 10 ऐप्स के अंदर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो ऐप मुझे लगती है वो क्रोम रिमोट डेस्कटॉप है। तो गाइस, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि आप अपने गूगल क्रोम को यूज़ करते हुए उसमें वेब गूगल क्रोम के वेब स्टोर में आपको करना क्या होगा कि आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी होगी जो कि क्रोम रिमोट डेस्कटॉप के नाम से होगी। उसी तरह आपको अपने मोबाइल के अंदर यानी कि अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो एंड्रॉयड में, अगर एप्पल यूज़र हैं तो एप्पल में आपको इस ऐप को डाउनलोड करना होगा। देन आपको वहाँ पर कुछ पैरामीटर्स जो कि आप लोग सब जानते हैं सेट करने होंगे, ऑथेंटिकेशन मेथड। देन उसके बाद होगा ये कि आप अपने मतलब पीसी के ऊपर पूरा कंट्रोल ले सकते हैं अपने एंड्रॉयड या अपने मोबाइल डिवाइस के ज़रिए। तो कैसी लगी आपको इंटरेस्टिंग ऐप? नंबर 4 पे हम बात करेंगे फाइल्स गो की। जी हाँ दोस्तों, फाइल्स गो गूगल की ऐसी प्रोडक्ट है जिसके जरिए आप अपने फ़ोन को क्लीन अप कर सकते हैं, अपने फ़ोन की स्पेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और ये आपको उन ऐप्स के बारे में रिकमेंड करता है जो आप बहुत ज़्यादा रेयरली यूज़ करते हैं, उनको रिमूव करने की रिकमेंडेशन के साथ आपके फ़ोन को बहुत ज़्यादा स्पीडी वे के अंदर ले आता है। और इसके अलावा दोस्तों, ये आपके फ़ोन के अंदर मौजूद डुप्लीकेट इमेजेस और स्पैम वगैरह की जो चीज़ें हैं उनको भी रिमूव करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा आपके जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उनको भी फास्ट तरीके से रिलोकेट करने की सलाहियत रखता है। और इसके अलावा दोस्तों, इसके अंदर हम बात करेंगे तो ऑफलाइन शेयरिंग की बात होगी, तो इसमें यह है कि आप अपनी फाइल को किसी दूसरे फाइल को एंड्रॉयड यूज़र के साथ ईजीली शेयर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऐप है गूगल की तरफ से, जिसका कि फाइल्स गो बीटा वर्जन अभी तक मार्केट में है लेकिन दूसरे जो वर्जन है फाइल्स गो वो इंशाल्लाह ताला जल्द ही लॉन्च हो जाएगा। नंबर 3 पे हम बात करेंगे फाइंड माई डिवाइस की। जी हाँ दोस्तों, फाइंड माई डिवाइस भी गूगल की ही प्रोडक्ट है और ये ADM यानी कि एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर का अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें वो तमाम फीचर्स हैं लेकिन वो तमाम फीचर्स जो ADM के अंदर मौजूद थे अब इसमें इनहांस तौर पे मौजूद हैं, ठीक है। आप इनहांस फीचर्स में अपने फ़ोन को लोकेट कर सकते हैं, जिनमें टैबलेट वॉच को भी लोकेट किया जा सकता है, उस पर
साउंड जो है प्ले कर सकते हैं, मैसेज फ्लैश करवा सकते हैं, फोन को लॉक कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं और इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो उसमें मेंशन है आप जब इंस्टॉल करेंगे आपको मज़ीद ज़्यादा बेहतर से पता चल जाएंगी। तो यही सब कुछ है जो इसमें इंक्लूड है। नंबर टू पे हम बात करेंगे गूगल की तरफ से एक बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग ऐप की जिसका नाम है एंड्रॉयडिफाई। जी हाँ दोस्तों, एंड्रॉयडिफाई के अंदर आप अपने कैरेक्टर को यानी कि जो कि एंड्रॉयड कैरेक्टर एक्चुअली के जो कि आप होते हो उसको मॉडिफाई कर सकते हो एक एंड्रॉयड लोगो की फॉर्म के अंदर और उस कैरेक्टर को पूरी दुनिया में अपने फ्रेंड फैमिली और किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग ऐप है, इसको लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया है, थ्रू ऑल द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा इसको डाउनलोड किया गया है। तो आई एम होपफुल कि शायद आपको भी ये पसंद आए तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों नंबर वन पे हम बात करेंगे गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स की। जी हाँ दोस्तों, गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स भी गूगल की तरफ से बनाई गई एक ऐप है जो कि ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। दोस्तों इस ऐप में ऐसा कुछ है कि गूगल अपने यूज़र से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ सर्वे और वो उस सर्वे के जरिए ये जानना चाह रहा है कि उनके यूज़र्स के मन में और पूरी दुनिया के जो लोग हैं उनके मन में क्या चल रहा है और लोगों से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। इस ऐप को आपको सिंपल डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करने के बाद आपको इसमें कुछ सर्वेज माइट भी आ जाएं, फ़ौरन आ जाएं। हो सकता है कि आपको इंस्टॉल करने के बाद अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद एक वीक के बाद आएँ, लेकिन आएंगे ज़रूर। एक सर्वे को अगर आप फिल करेंगे तो आपको उसके एवज में $1 दे दिया जाएगा जो कि आपको गूगल प्ले क्रेडिट की जरूरत में या पेपॉल के ऊपर भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और मज़े की बात इसमें यह है कि सवाल भी कुछ इतने मुश्किल नहीं होंगे, लाइक इस तरह के सवाल होंगे कि कौन सा लोगो बहुत अच्छा है, आप अपना नेक्स्ट ट्रिप का प्लान कर रहे हैं और इस तरह की बहुत सी चीज़ें कि प्रमोशन आजकल कौन सी ऐसी चल रही है। तो दोस्तों ये जो थे टॉप 10 गूगल ऐप जिनको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप पीपल लाइक एंड एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज थम्स अप एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड डू लाइक एंड शेयर विद अदर्स। सो गाइस, इसी के साथ अपने दोस्त मोहम्मद फैजान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद एंड गुड बाय।